नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीएन न्यूज। आइए रुख करते हैं राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज सीएचसी की तरफ, जहां सीएचसी में तैनात एक डॉक्टर ने महज 200 रुपए सुविधा शुल्क न देने पर आशा बहू को थप्पड़ जड़ दिए और उसके साथ अभद्रता भी की, जिसके बाद आक्रोशित आशा बहू ने अन्य आशा बहुओं के साथ मिलकर सीएचसी परिसर में हंगामा शुरू कर दिया और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर सभी आशा बहुएं प्रदर्शन करने लगी। वही पीड़िता आशा बहु सरोजन ने सीएचसी अधीक्षक द्वारा कोई एक्शन न लेते देख 112 नंबर डायल कर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने मामला शांत कराया। इसके बाद आशा बहु सरोजन मोहनलालगंज कोतवाली पहुंचकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ लिखित तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की, जिस पर इंस्पेक्टर संतोष कुमार आर्य ने मामले की जांच व सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कार्यवाही की बात कही। वही दूसरी तरफ आशा बहू का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूरे मामले की जांच कर सीएमओ लखनऊ को सख्त कार्यवाही के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि डेहवा गांव की आशा बहू सरोजन शुक्रवार को गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड कराने सीएचसी मोहनलालगंज पहुंची थी। आशा बहू ने बताया कि मरीज को ज्यादा परेशानी थी, इसलिए वह डॉक्टर के पास जल्दी अल्ट्रासाउंड कराने करने की सिफारिश लेकर पहुंची थी। आशा बहु सरोजन का आरोप है कि सीएचसी में तैनात डॉक्टर अजय भारती ने जल्दी अल्ट्रासाउंड कराने के बदले 200 रुपए की मांग की, जिस पर आशा बहु ने मरीज से पैसा लेकर देने से मना कर दिया, जिससे आग बबूला हुए डॉक्टर ने क्रम से अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आने को कहा। आशा ने बताया कि वह मरीज की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाने पहुंची तो नाराज डॉक्टर ने अभद्रता की और जब उसने डॉक्टर की हरकत का विरोध किया तो उन्हें थप्पड़ जड़ दिए। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ को पूरे प्रकरण की जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश देने के साथ ही प्रकरण के संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी 10 अगस्त तक तलब की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि प्रकरण संज्ञान में आने के बाद सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि एसीएमओ से मामले की जांच कराते हुए दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। पीपीएन न्यूज के लिए विशेष संवाददाता नवीन वर्मा की रिपोर्ट। सर, बात ये है कि एक इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड था, हमने कहा सर एक अल्ट्रासाउंड इमरजेंसी में कर दीजिएगा, तो उन्होंने कहा 200 रुपए दोगी तो करूंगा, तो हमने कहा सर वो पैसे 200 रुपए हम उससे नहीं लेंगे, आपको लेना है ले लीजिए, क्योंकि अगर हम लेंगे तो वो समाज में बदनाम हम लोगों को करते कि आशा 200 रुपए लेती है, तो हमने पेशेंट को लाइन में लगा दिया। उसके बाद फिर उस पेशेंट का अल्ट्रासाउंड हो गया, फिर हमने कहा तुमने रिपोर्ट दिखाई है, तो उसने कहा दीदी नहीं दिखाई है, हमने कहा लाओ रिपोर्ट हम दिखा दे जाके, हम उनको गए रिपोर्ट दिखाने, हमने दरवाजा खटका, हमने कहा सर आ जाए, तो कहने लगे निकलो निकलो आप लोग जो है ना काम करती हूँ ना करने देती हूँ, जब देखो तब घुसी चली आ रही हूँ घुसी चली आ रही हूँ, तो हमने कहा सर इधर सुनिए हम सिर्फ आए हैं आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाने पेशेंट की, तो वो कहने लगे जब देखो तब चली आती हो, जब देखो तब चले चल चल निकल निकल बाहर, तो हमने कहा सर ऐसा है आप इस तरह से बात हमसे नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से आप कहते हैं चल चल निकल निकल, तो वो इतने में कहे कि चलो बंद करो बंद करो बंद करो सब, और अब अल्ट्रासाउंड नहीं करना है, अब दरवाजा बंद कर दिया, उसके बाद हमसे कहने आवाज के बाद अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, तो हमने कहा मत करिए, उसके कहने लगे चली जाओ नहीं जूतों से मारूंगा, हमने कहा सर ये कौन सी बात होती है आप ऐसा कैसे बोल देते हैं, आप भी अगर स्टाफ के कर्मचारी हैं तो हम भी कर्मचारी हैं, तो इतने में बस इतना कहना हुआ सर हम उनके पास गए नहीं कि उन्होंने 2-3 तमाचे मुझे घसीट दिए, बस सर इतनी सी बात हुई। अब सर ये बताइए।